के दिव्य महात्म का वर्णन पद्म पुराण ने किया है। महात्म का अर्थ होता है हम किसी के महत्व को जाने, तो महत्व और महत्वपूर्ण हो जाता है जब जनाने वाला कोई दूसरा हो। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करो ना, वो ठीक बात नहीं होती। यद्यपि संतों में तो प्रशंसा का कोई स्थान ही नहीं है, संतों ने तो उस प्रतिष्ठा को ही विष्ठावत माना है, प्रशंसा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। हम प्रशंसा नहीं कहते हैं इसको, हम इसका महात्म कहते हैं। संतों की भी प्रशंसा नहीं होती है, संतों का भी महत्व और उनका महात्म है। और तुलसीदास जी महाराज ने तो एक लाइन और आगे जोड़ दिया, संत दरस जिमी पातक टरई, संत दरस जिमी पातक टरई। संतों का दर्शन हमारे जीवन के पाप को दूर करता है, और ठीक यही बात भक्ति महारानी नारद जी के सामने कह रही है। मैंने सुन रखा है, नारद जी ने कहा क्या सुन रखा है? नारद जी ने कहा मैं जहां जाता हूं, भक्ति महारानी ने कहा मैं यही जानती हूं, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। संतों का दर्शन, संत का अर्थ जो सतपुरुष है। संत का एक भाव यह है कि जिनको देखकर भगवान की याद आ जाए, या जिनको देखकर हमारी दुष्प्रवृत्तियां सद प्रवृत्ति में लीन हो जाए, जिनको देखकर हमारा चिंतन, हमारा मन संसार से निकलकर परमात्मा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, जिनका एक तेज, जिनका एक गौरव, जिनकी एक विभूति, जिनका एक दर्शन, जिनका एक स्वरूप, जिनका एक स्वभाव। और हम सबका परम सौभाग्य है कि ये सारे सद्गुण पूज्य महाराज श्री में विद्यमान है। पूरी अयोध्या इस बात का गौरव करती है, और हम सब संतों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अग्रज और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में एक अभिभावक हम लोगों को प्राप्त है। छोटे से बड़ा कोई महात्मा, कोई संत, कोई साधक महाराज श्री के सम्मुख चला भर जाए, ये एक सिद्धांत, एक दर्शन है। एक रोम रोम में ये संत परंपरा जब उतर जाती है, तब महामना तुलसी जी कहते हैं कि संत दरस जिमि पातक टरई, तब बिना कुछ किए हुए हमारे जीवन के पाप जलने लग जाते हैं, तब धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं समाप्त होकर सद प्रवृत्तियों में विलीन होने लगती हैं, कहीं ना कहीं वो चंचल माया मोह की प्रबलता में बंधा हुआ ये जीव धीरे धीरे परमात्मा की ओर खिसकने लगता है और बढ़ने लगता है।